भारत का राष्ट्रपति भाग दो। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। राष्ट्रपति की योग्यताएं एवं पदावधि। इससे पूर्व के अंक में हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का अध्ययन किया। इस अंक में हम राष्ट्रपति की योग्यताएं और उसकी पदावधि तथा उसकी विधायी एवं कार्यपालिका शक्ति का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति की योग्यताओं के अंतर्गत अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो तथा भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, तो यह नहीं माना जाएगा कि वह लाभ के पद पर है। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन का या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। राष्ट्रपति लाभ का कोई अन्य पद ग्रहण नहीं करेगा। पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष के पहले राष्ट्रपति की पदावधि दो प्रकार से समाप्त हो सकती है। पहला, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, अर्थात उपराष्ट्रपति को संबोधित करके खुद त्यागपत्र देते। दूसरा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान के उल्लंघन के आरोप में हटाए जाने पर या तो राष्ट्रपति स्वयं त्यागपत्र दे दे या राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन होने पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद द्वारा लगाई जाती है, तो उसे 5 वर्ष से पहले हटाया जाता है यदि महाभियोग पारित हो जाता है। तो राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है अथवा कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद हेतु पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, अर्थात उसका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। तो राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया इस प्रकार लगाई जाती है कि महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाएगा, दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करेगा या करवाएगा। किंतु ऐसा आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि 14 दिन की लिखित सूचना देकर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके प्रस्तावना अंतर्विष्ट करने वाला संकल्प प्रस्तापित नहीं किया हो। दूसरा,
उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया हो। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 56 और 61 के अनुबंधों के उपबंधों के अनुसार महाभियोग के अलावा किसी और ढंग से नहीं हटाया जा सकता है। पदावधि पूर्ण होने अथवा आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु निर्वाचन। राष्ट्रपति पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन पदावधि समाप्त होने से पूर्व कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा पद से हटाए जाने अथवा किसी अन्य कारण से उसका पद रिक्त हो जाने की अवस्था में रिक्ति को भरने हेतु निर्वाचन रिक्ति होने की तिथि के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर करा लिया जाएगा और निर्वाचित होने वाला व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि तक पद पर बने रहने का अधिकारी होगा। शपथ के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अब है निर्वाचन विवाद, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद। राष्ट्रपति के चुनाव को जिन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है वे इस प्रकार है: मतदाताओं पर अनुचित दबाव का आरोप, अवैध तरीके से मत पत्र रद्द किए जाने का आरोप, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संवैधानिक नियमों की अवहेलना का आरोप, राष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता की चुनौती से संबंधित याचिका वही दायर कर सकता है जो उम्मीदवार हो अथवा निर्वाचक। संविधान के अनुच्छेद 71 में उपबंध है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच तथा निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। अब है राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों को विभाजित किया गया है, जैसे कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वीटो शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, सैन्य शक्तियां आदि। तो हम इस अंक में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां और वीटो शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श से, अर्थात प्रधानमंत्री के परामर्श से, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है एवं उनके मध्य मंत्रालयों का वितरण करता है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अनुच्छेद 77(3) वह भारत के न्याय महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपालों, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोग के सदस्यों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य, भाषा आयोग, भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों की नियुक्ति करता है। वह
अंतर्राज्य परिषद अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आयुक्त, पिछड़ा वर्ग आयोग तथा अल्पसंख्यक आयोग की भी नियुक्ति करता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त हैं। देश का संपूर्ण राजनीतिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। अब है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, अतः इस रूप में उसे विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। वह संसद के दोनों सदनों के सत्रों का आह्वान करता है, उसका सत्रावसान करता है तथा लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 108 तथा लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात होने वाले प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है, अतः प्रत्येक विधेयक पर उसके हस्ताक्षर आवश्यक हैं। धन विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता है, किंतु साधारण विधेयकों को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। यदि संसद द्वारा पुनः उसे बहुमत से पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता है। कुछ विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, जो निम्नलिखित हैं, जैसे नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में या नामों में परिवर्तन से संबंधित विधेयक। अनुच्छेद 3 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित विधेयक। अनुच्छेद 266 व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित करने वाले राज्य विधेयक। अनुच्छेद 304 राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। वह साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज से जुड़े व्यक्ति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है तथा वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को, यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त समुदाय का प्रतिनिधित्व समुचित नहीं है, तो मनोनीत कर सकता है। चारवें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन को नामित करने का प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। अब है राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। आत्यंतिक वीटो। इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है, अर्थात वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। और तीसरा है जेबी वीटो। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर अनुमति देने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, अतः इस समय सीमा के अभाव में राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अर्थात इस वीटो शक्ति के प्रयोग द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक पर
न तो अनुमति देता है, न ही अनुमति देने से इनकार करता है और न ही पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजता है। इस प्रकार राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार शक्तियों का प्रयोग करता है। धन्यवाद।